कंपनी जब भी कोई गाड़ी लॉन्च करती है तो उसे यही उम्मीद होती है कि वो उस गाड़ी से अपने सेल्स में इजाफा करेगी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता जिसके चलते कंपनी गाड़ी को बंद करने का फैसला ले लेती है। 2022 अब खत्म होने को है और ऐसे में हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सी गाड़ियां थी जो इस साल बंद हो गई और अब मार्केट में नहीं मिलती। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है ऑटो नेस्ट पर, मैं हूं आपके साथ मनीषा। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही सात गाड़ियों के बारे में। फॉक्सवैगन वेंटो। जर्मनी की बड़ी निर्माता कार कंपनी फॉक्सवैगन ने 2022 में अपनी सेडान वेंटो को डिसकंटिन्यू कर दिया। इसकी जगह कंपनी ने एक बेहतर सेडान वर्ट्स को पेश किया जिसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपीज है। मारुति एस क्रॉस। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की ओर से भी इस साल एक क्रॉस ओवर को बाजार से हटा दिया गया। कंपनी की ओर से एस क्रॉस की सेल को बंद कर दिया गया। हालांकि कंपनी ने इसके बाद ग्रैंड विटारो को पेश किया जो कि नेक्सा डीलरशिप में बेची जा रही है। रेनो डस्टर। फ्रेंच कार कंपनी रेनो जिसने एसयूवी डस्टर से भारत में तहलका मचा दिया था, उन्होंने भी अपनी इस मशहूर एसयूवी को इस साल भारत से हटा लिया। डस्टर भारत में करीब 10 साल पहले लॉन्च की गई थी और इसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कंपनी इसे फेसलिफ्ट करके दोबारा से मार्केट में पेश कर सकती है। ह्युंडई सेंट्रो। साउथ कोरियाई कार कंपनी ह्युंडई की ओर से भी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेंट्रो को वेबसाइट से हटा लिया गया है। ये कहना गलत नहीं हुआ कि सेंट्रो ही वो गाड़ी थी जिसने ह्युंडई को भारत में स्थापित कर दिया था और लोगों को मारुति की जगह एक और गाड़ी खरीदने का विकल्प दिया था। इस कार को कंपनी ने साल 1998 में भारतीय बाजार में पेश किया था और उस समय मारुति की छोटी गाड़ियां मार्केट में लीडर हुआ करती थी। हालांकि कंपनी ने इसे 2014 में भी एक बार बंद कर दिया था, उसके बाद 2018 में दोबारा इसको लॉन्च किया गया था। ह्युंडई ग्रैंड i10 नियोस डीजल। कंपनी ने अपनी वेबसाइट से हैचबैक ग्रैंड i10 नियोस की डीजल वेरिएंट को हटा लिया है। ये गाड़ी अब सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में ही बेची जाएगी। कंपनी का कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगले साल अप्रैल महीने से देश में नए रेगुलेशंस आ जाएंगे जिसके चलते डीजल इंजन कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। टोयोटा अर्बन क्रूजर। जापानी कार कंपनी टोयोटा की ओर से भी साल 2022 में मिड साइज एसयूवी अर्बन क्रूजर को बंद कर दिया गया। हालांकि कंपनी ने इसके बदले नई अर्बन क्रूजर हाई राइडर को बाजार में पेश कर दिया है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। अर्बन क्रूजर की तरह ही टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा का मॉडल भी बंद कर दिया और अब इसके डीजल वेरिएंट की बुकिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इसकी जगह कंपनी ने नई इनोवा हाई क्रॉस को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। तो ये थी वो सात गाड़ियां जिन्हें 2022 में बंद कर दिया गया। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कार थी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।